नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पटना पहुंचकर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्टोरल बोंड घोटाले की एसआईटी जांच करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई और साथ ही प्रशांत भूषण ने बिना किसी का नाम लिए एनडीए सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि रूलिंग पार्टियों में इलेक्टोरल बोंड के नाम पर धन इकट्ठा किया और सिर्फ रूलिंग पार्टी में ही चंदा नहीं लिया बल्कि अलग अलग राज्यों में बने सरकार ने भी इस बॉन्ड के जरिए चंदा इकट्ठा किया। देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। जो फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में वो लोगों के सूचना के अधिकार के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो गैर संवैधानिक घोषित किया है वो इसी बिना पर किया है कि लोगों के और वोटर्स के सूचना के अधिकार को खत्म करता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो पूरी स्कीम है। अगर हम समझे अभी चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में और हम वोट करने जा रहे हैं। जब ये बॉन्ड लाए गए तो दो तरह के इसके जस्टिफिकेशन दिए गए। पहला तो जेटली साहब ने दिया था कि हम गुप्त बॉन्ड इसलिए ला रहे हैं कि अगर कोई कंपनी खुले में डोनेट करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी को और अगर वो ऑपोजिशन को डोनेट करे तो रूलिंग पार्टी जो है सत्ताधारी पार्टी उसको प्रताड़ित कर सकती है उस कंपनी को कि तुमने ऑपोजिशन को क्यों चंदा दिया, इसलिए हम गुप्त बॉन्ड लाए। दरभंगा के राज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी को बेटी कहकर संबोधित किया। समस्तीपुर की जनता ने प्रधानमंत्री की बेटी वाले बयान पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री जैसे ही मंच पर दाखिल हुए उन्होंने समस्तीपुर से एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी को अपने पास बुलाया और उनके शिक्षा दीक्षा के बारे में पूरी जानकारी ली। और समस्तीपुर से एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती शांभवी चौधरी जी पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम मानते हैं कि एक ये जो मैसेज है सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी मंच से हमें अपनी बेटी कहे, ये जो संदेश है ये इस देश की हर महिला के लिए है, हर दलित के लिए है कि प्रधानमंत्री ने मंच से एक दलित महिला को अपनी बेटी कहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम मानते हैं कि हर उनके आने के जस्ट पहले हम ही अपना भाषण दे रहे थे तो हमने उनके आने के 2 सेकंड या 3 सेकंड पहले कहा है कि युवा शक्ति और नारी शक्ति के रूप में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और हम मानते हैं कि इतना आदर और सम्मान अगर प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है तो वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हर युवा के लिए, हर महिला के लिए और हर दलित के लिए है। पप्पू यादव गया पहुंचे जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूंछ में वायुसेना के काफिले पर हमले को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमला कहीं वोट बैंक के लिए तो नहीं और साथ ही उन्होंने कहा कि क्या आप जवान को शहीद कर वोट की राजनीति करेंगे, कितने जवान शहीद होंगे एक व्यक्ति के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए और कुर्सी के लिए। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, बीजेपी पर साधा निशाना। वहीं बता दें कि पप्पू यादव एक दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे और साथ ही कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, कहा यह हमला कहीं वोट बैंक के लिए तो नहीं।
आश्रम में तो बोले सब दो मिनट खाली बस दो मिनट कौन सी पर लीजिएगा गया बन गए सर क्या बोला सर गया आचार्य रविशंकर जी से संवाद है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर कैसे हम लोग बिहार को साथ मिलकर काम करेंगे उस पर चर्चा है कि पाटलिपुत्र संसदीय सीट से AIMIM के प्रत्याशी फारूख रजा उर्फ डब्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। AIMIM के युवा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट आदिल हसन ने भी मीडिया को संबोधित किया। संबोधन में एनडीए और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। देखिए पाटलिपुत्र में जो भी प्रॉब्लम अभी आप देख रहे होंगे रोड का जो हालत है आए दिन एक्सीडेंट होता है उस पर केंद्र में भी आवाज उठाने के लिए रामकृपाल जी कोई प्रयास नहीं करते। लगातार देखिए जाम लगता है और आप देख लीजिए एम्स रोड में जिस तरह से जलमग्न रोड है वो सब जो मुद्दा है वो मुद्दा पे हम लोग आएंगे और उस पर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री व खूंटी लोकसभा के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने खूंटी जिले के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर ग्रामीणों से संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की चिंता हमारी सरकार ने की, इससे पहले 60 साल तक राज करने वाले कांग्रेस ने आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा था। अर्जुन मुंडा ने किया जनसंपर्क और साथ ही खूंटी की तस्वीरें हैं जहां पर ग्रामीणों से संवाद किया और साथ ही अर्जुन मुंडा का इस दौरान बयान भी सामने आया और साथ ही अर्जुन मुंडा ने जनसंपर्क किया वहीं लोगों से संवाद भी किया गया। खूंटी की तस्वीरें हैं जहां पर अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया। खूंटी की तस्वीरें हैं ग्रामीणों से अर्जुन मुंडा ने संवाद किया साथ ही लोगों से अपने मत का प्रयोग करने की भी अपील की और आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी संख्या में यहां लोग मौजूद नजर आए। ग्रामीणों से संवाद किया गया। सीएम चंपाई सुरेन शनिवार को सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के चक्रधरपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी चोभा मांझी को भारी मतों से जुटाने की अपील की और इस मौके पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ सीकेपे विधायक सुखराम उराव समेत इंडिया गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रचंड धूप के बीच आयोजित सभा में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी और साथ ही देश में महंगाई बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में बात नहीं करते। सरना धर्म कोड को लागू नहीं किया जा रहा और इससे लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित कर सरकार बनाना है। झारखंड की आंदोलन का बिगुल भी बजा है। यहाँ का जल जंगल जमीन की लड़ाई भी इसी कुल्हान का धरती पुलहर धरती से भी हुआ है। तभी जाके झारखंड आंदोलन दिल्ली तक गुजने लगा है। और ये भारतीय जनता पार्टी एक बाण अधिकार अधिनियम को शिथिल कर दिया है और ये जो डबल इंजन का सरकार था रघुवर दास का नेतृत्व में मान की मुंडा का जो अधिकार है पावर है उसको भी शिथिल कर दिया था। इन्हें भी उड़ूगा निगुदो।
बोकारो में नक्सलियों ने एक बार फिर से पुलिस को खुले चुनौती देते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में स्कूल और उसके आसपास के क्षेत्र में पोस्टरबाजी की और बोकारो जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोमिया प्रखंड के तीसरे पंचायत के कुर नालों को उच्च विद्यालय और उसके आसपास के क्षेत्र में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर चुनाव बहिष्कार करने की घोषणा की और आम लोगों से चुनाव में हिस्सा नहीं लेने की भी अपील की। वहीं आपको बता दें कि स्कूल की दीवार में कई स्थानों पर चिपके हुए पोस्टर की जानकारी उस समय लगी जब स्कूल में शिक्षक पहुंचे। चुनाव बहिष्कार की बात लिखी गई है और बोकारो की तस्वीरें हैं जहां पर नक्सलियों की नापाक हरकत यहां देखने को मिले। साथ ही पुलिस को खुली चुनौती दी है, चुनाव बहिष्कार करने की बात भी लिखी गई है। नक्सलियों की नापाक हरकत बोकारो में यहां देखने को मिले और पुलिस को खुली चुनौती दी गई, चुनाव बहिष्कार करने की बात इस नोटिस पर लिखी हुई है। मतदाता जागरूकता रैली को लेकर दिव्यांग चुनाव आइकॉन प्रमोद यादव ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में चुनाव का पर्व देश का गर्व के तहत सभी दिव्यांग लोग मतदान करने को लेकर जागरूक अपील कर रहे हैं ताकि इस देश का लोकतंत्र और भी मजबूत हो। हम लोग जागरूकता अभियान निकाले हैं कि हम दिव्यांग लोग जब वोट कर सकते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, तो आम लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि सभी लोग 25 मई को जाकर के अपने अपने बूथों पर वोट मतदान करें। इसको लेकर कहां से कहां हम लोग ऐसे रांगाटाड़ बेकार बांध होते हुए डीसी आवास होते हुए सिटी सेंटर नगर निगम होते हुए कोटमोड़ तक हम लोग अनाज संदेश यही दे रहा है कि हमें अपना वोट नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग अपने घरों में सोकर समय पास कर देते हैं लेकिन वोट देना जरूरी नहीं समझते, हमें उन्हें जगाना है। क्या अपील कर रहे हैं लोग? लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपना वोट ना छोड़े, आपको जहां भी देना है जिसे भी देना है लेकिन वोट डाले। जागरूकता रैली निकाले, कौन सी बैनर तले है आप लोग? जागरूकता हम लोग जागरूकता अभियान निकाले हैं कि हम दिव्यांग लोग जब वोट कर सकते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, तो आम लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि सभी लोग 25 मई को जाकर के अपने अपने बूथों पर वोट मतदान करें। इसको लेकर कहां से कहां? हम लोग ऐसे रांगाटाड़ बेकार बांध होते हुए डीसी आवास होते हुए सिटी सेंटर नगर निगम होते हुए कोटमोड़ तक हम लोग अनाज बाढ़ में बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह का भव्य स्वागत किया गया और बता दें कि पैरोल पर रिहा होकर अनंत सिंह ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। बाढ़ से लदमा गांव के रहने वाले और पत्नी नीलम देवी मोकामा विधानसभा से विधायक हैं। भागलपुर में 7 साल पहले यानी 2016 के अप्रैल में पूर्ण शराबबंदी कानून लगा दी गया था और तो वहीं भागलपुर में एक व्यक्ति शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ तब नजर आया जब न्यायाधीश के सामने शराब पीकर वो गवाही देने पहुंच गया जिसमें 82% अल्कोहल पाए जाने पर उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। नवगछिया 222 में गवाही को हम नोटिस दिए थे, गवाही आया, डॉग पे चढ़ाए उसको, गवाही कराने के दौरान उसके मुंह से स्मेल आया,
तो हम लोगों को शंका हुआ कि शराब पिया हुआ है, तो हमने अपने स्टाफ के माध्यम से बीसीसीआई ने दानापुर के जगजीवन रेलवे स्टेडियम में 4 और 5 मई को आईपीएल फैन पार्क का आयोजन किया। इस दौरान भारी संख्या में फैन पहुंचे और बीसीसीआई प्रतिनिधि एल्विन गायकवाड ने बताया कि फैन पार्क में आईपीएल मैच का मजा ले सकते हैं और उसके साथ ही उन्होंने बताया कि दर्शकों की एंट्री फ्री रहेगी। फैन पार्क में मेडिकल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एल्विन गायकवाड़ है, बीसीसीआई से रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, जिनके सपोर्ट के वजह से हमें आईपीएल फैन पार्क का इवेंट कर पा रहे हैं। उसके बाद हम मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप ही के लोगों के वजह से, आप ही की वजह से हम फैन पार्क क्या है, बीसीसीआई का इसके पीछे इंटेंशन क्या है लोगों तक हम बता सक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए हैं यहाँ पे, कम से कम 3-4 हज़ार तो लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आज के मैच के लिए। आईपीएल फैन पार्क का इस सीजन में 50 ऐसे सिटीज में हम आईपीएल फैन पार्क कर रहे हैं। का मूल्यांकन तो आप लोग करेंगे, हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की नई नई चीजें बिहार में रेगुलर हो, बिहार वासियों को आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ने का मौका मिले। कैसा लग रहा है तो आप लोग इसका मूल्यांकन करें। यहाँ जो भीड़ जुटी है, उम्मीद के अनुसार है? हाँ, भीड़ तो नई नई चीजें हैं, जैसे जैसे प्रचार बढ़ेगा वैसे वैसे और लोग जुटेंगे। कल तो और भी कुछ एड ऑन कीजिएगा? हाँ, और भी क्या क्या जो है यहाँ पे फीचर है? देखिए, अभी तो हम लोग जो आईपीएल हो रहा है उसको यहाँ लाइव दिखा रहे हैं। नवादा शहर में गश्ती व्यवस्था को बता दें कि सुदृढ़ करने और आपात स्थिति में पुलिस की मदद पहुंचाने को लेकर डायल 112 मोटरसाइकिल सेवा शुरू हो गई और साथ ही एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर नवादा शहर में इस सेवा की शुरुआत की। गौरतलब है कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत कवायद शुरू की गई। डायल 112 आप लोगों को जानकारी है कि ये सेवा जो है पूरे बिहार में लागू कर ली गई है और इसके तहत विभिन्न जगहों पे गाड़ियां दी गई हैं, इसके तहत इमरजेंसी में सुविधा पहुंचाई जाती है। इसी के क्रम में शहरी क्षेत्रों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा मोटरसाइकिल दी गई है जो गश्ती का काम करेगी और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुविधाएं पहुंचाएंगी। इसी क्रम में नवादा जिला को 8 मोटरसाइकिल प्राप्त हुआ है, इसका आज हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये शहर के जो तंग गलियां हैं उसको खास करके रखी गई है और उसका उद्देश्य ये है कि लोगों तक जल्दी राहत पहुंचाया जा सके। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आषाढ़ी पुल के समीप सड़क लूटकांड में शामिल 3 विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया। उस नाबालिगों के निशानदेही पर जुनाठी गांव के बधार के पास मूंग की फसल खेत में उसकी लूट की गई। शनिवार को मुफस्सिल थाना में एसडीपीओ 2 सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी और साथ ही उन्होंने बताया लूटकांड में शामिल अन्य 4 की तलाश की जा रही है, तो वहीं दूसरी घटना को बदमाशों ने युवक से मोबाइल और 3,000 रुपए लूट लिए और साथ ही फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष निहोरा प्रसाद यादव, प्रदेश प्रवक्ता हेमराज और राम और श्रीमती अंजुम आरा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव पर तथ्यों की जानकारी नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि आज जिस कांग्रेस की गोद में बैठकर तेजस्वी आरक्षण और संविधान पर खतरे को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, उसे लेकर तेजस्वी यादव को पहले एक बार फिर तथ्यों को जांच लेना चाहिए। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन को लेकर के इन सारी बातों को विस्तृत रूप से रखा इन्होंने आपके समक्ष। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बहुत मजबूती के साथ या बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम देख रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा नेता प्रतिपक्ष हो या आदरणीय लालू प्रसाद यादव हो या फिर कांग्रेस के लोग, इवन की आदरणीय राहुल गांधी जी,
इस बात को बहुत ही मजबूती के साथ चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि संविधान, देश का संविधान खतरे में है, देश का संविधान खत्म हो जाएगा। सबसे प्रमुख बात यह है जिस विषय पर चर्चा छिड़ा है, जो विपक्ष के नेता जो बिहार में घूम घूम कर ये प्रचार कर रहे हैं कि संविधान खतरे में, कांग्रेस के युवराज भी घूम घूम कर कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, मतलब साफ है संविधान खतरे में नहीं है बल्कि उनका अस्तित्व खतरे में है। जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है या संविधान में संशोधन करके इंदिरा गांधी ने कर दिया, तो बताइए संविधान को समाप्त करने की कोशिश कांग्रेस ने किया तो ये लालू यादव जी को पूछना चाहिए था सवाल कांग्रेस से कि भाई आपके काल में ही तो संविधान में संशोधन आमूलचूल परिवर्तन बदलने की साजिश चली थी। अगली खबर बेतिया के मझोलिया से है, जहां बेतिया मोतिहारी एनएच 727 के नानू सत्य चौक स्थित एक होटल में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि कई दुकानों को अपने चपेट में ले लिया और वहीं गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की सूचना भी मिल रही थी और साथ ही सूचना पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिव्या धाम अपार्टमेंट में 27 अप्रैल की शाम भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पांडे का संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटका हुआ शव मिला था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसे पुलिस की चुनौती बढ़ गई। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमृता पांडे की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। वहीं एफएसएल ने इससे पहले भी आत्महत्या बताया और इसको लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के एचओडी से पैनल बनाकर जांच के लिए रिक्वेस्ट किया है। आत्महत्या या हत्या था तो इसका मूल कारण क्या है, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्योंकि मेरी बहन ओसीडी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान थी और वो पहले भी मुंबई में दो बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो उसके मन में हो सकता है वहाँ पे सब सिर्फ चलता होगा, बीमारी को लेकर तो चलता ही रहता था उसके दिमाग में, बहुत ज्यादा वो ओसीडी को लेकर परेशान थी और जब हम उसको देखे तो वो सुसाइड, मतलब उसको सुसाइड में ही देखे थे हम। ये हमको पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए हमको पता है कि वो सुसाइड ही की घटना हुई थी, जिसमें कि डेड बॉडी मिली थी। दिव्य धाम अपार्टमेंट है जोगसर थाना का और 27 अप्रैल की घटना है जिसमें एक युवती की बॉडी मिली थी और उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि इन्होंने आत्महत्या कर दिया और परिजनों के द्वारा उसका इलाज भी कराया गया और ये सारी चीज़ें जो नीचे बेसमेंट में लगा हुआ सीसीटीवी है उसमें सारी कैप्चर हुई। उसमें हम लोग के पास दो रिपोर्ट आई है, एक एफएसएल के द्वारा जो रिपोर्ट है और जो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर साहब है उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है। अरवल जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में नगर परिषद क्षेत्र के बस स्टैंड में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान और सभी मतदाता अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर 1 जून को मतदान करें। एक तरफ पीएम मोदी देश को डिजिटल तकनीक से जोड़ने को लेकर हर प्रकार की मुहिम चला रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर आज भी दर्जनों गांव में विकास की किरणें भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। बताते कि राजूरी प्रखंड के लगभग 30 किलोमीटर दूर एक ऐसा ही गांव हरदरिया पंचायत का नवाजीह है जहां पर गांव के लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाएं नसीब नहीं हो रही और गांव में जाने के लिए ना सड़क और ना ही पीने के पानी की और ना ही रोशनी की बिजली की व्यवस्था है। ना यार कुछ के व्यवस्था है, ना रोड के साधन है, तो सर हम लोग तो ऐसे जंगल में कुछ के व्यवस्था नहीं हो रहा है, जो आता है सब खाली वोट लेना आता है। नवाडी कोदरिया। मुखिया कौन है? मुखिया
पिंटू साहब अभी चुनाव होले हाल में लोकसभा जकरम देलो वोट हां दलगा आप ककरम गला ना गला हम लोग को कौन पता हम लोग के कुछ के व्यवस्था नहीं था तो कैसे देलो यह हबिया पंचायत पड़ता है कोहदरिया टोला नवाडी है। अच्छा इस गांव क्या क्या समस्या है? ये गांव में समस्या आप सिर्फ देखिए नल जल योजना सब खराब है सर। देखिए नल जो भी है सब खराब हुआ है। इंदिरा आवास में कुएं देखिए घर मकान जो भी खपरे का है समझे। देखिए इंदिरा पानी में जितना भी कीड़ा मकोड़ा है जनता एक कुआं पानी सब इसी में जीते हैं। इसी में हम जानवर पीते हैं, इसी में आदमी पीते हैं, इसी में नहा धोना हम लोग करते हैं इधर समझे। ना हमको जो बिजली का सुविधा उपलब्ध है और सोलर जो लाइट भी है तो 5-6 साल से सोलर लाइट बंद हुआ है। नवादा शहर में अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से बिहार पुलिस ने पुलिस मुख्यालय पटना के सौजन्य से डायल 112 नंबर की 8 मोटरसाइकिल नवादा जिला को उपलब्ध कराई। नवादा शहर के तंग गलियों में बता दें कि शहरी क्षेत्र में तुरंत कार्रवाई और बैंक चेकिंग जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए 112 नंबर की 8 मोटरसाइकिल शनिवार की शाम से काम करना शुरू कर चुकी हैं। नवादा नगर थाना में पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर सभी बाइक को रवाना किया और साथ ही बता दें नवादा शहरी क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया। सभी जोनों में 2-2 मोटरसाइकिल को उपलब्ध कराया गया और इससे नवादा शहर क्षेत्र में 24 घंटे पुलिस की उपस्थिति और बेहतर ढंग से बनी रहेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में 4-पहिया वाहन नहीं पहुंच पाएगा वहां ये बाइक पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करेंगे। जानकारी है कि ये सेवा जो है पूरे बिहार में लागू कर ली गई है और इसके तहत विभिन्न जगहों पे गाड़ियां दी गई हैं जिसके तहत इमरजेंसी में सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसी के क्रम में शहरी क्षेत्रों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा मोटरसाइकिल दी गई है जो गश्ती का काम करेगी और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुविधाएं पहुंचाएंगे। इसी क्रम में नवादा जिला को 8 मोटरसाइकिल प्राप्त हुआ है जिसका आज हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये शहर के जो तंग गलियां हैं उनको खास करके रखी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।